हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हर्डल्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, पाकिस्तान 1947 में बन चुका हुआ, लेकिन उस मुल्क को चलाने के लिए जो कवानीन बनाने हैं उसको बनाने में आपने 9 साल लगा था। सो 9 साल तक आप कह लें एक जो ब्रिटिश ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया था आप उसकी ही फोटोकॉपी करके उस पर चलाते रहे, उसी इंटरिम गवर्नमेंट के जो रूल्स थे उनमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करके आप उसी को चलाते रहे। सो आपको कहले बहुत ही स्लो स्टार्ट मिला शुरू में, जिसकी वजूहत हम अभी अब डिस्कस करेंगे कि क्या वजह बनी कि आपको 9 साल लग गए मुल्क को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए। और उन 9 साल के बाद जो आपने कानून बनाया वो भी आपने 2-3 साल के अंदर एबोरेट करवा दिया, वो भी खत्म करवा दिया। फिर आपको पता है उसके बाद एक नया कानून आया, फिर उसके बाद एक नया कानून आया, आप 19 जो है वो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन चाहता। सो कह लें कि आपने 9 साल बना के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके अंदर इतनी ज्यादा गलतियां थी कि जो कि आप सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा नहीं कर सका, और इतने मसले मसाइल हुए कि वो 2 साल के अंदर अंदर ही या 2.5 साल के अंदर अंदर ही एब्रोगेट हो गया। एब्रोगेट का मतलब होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल खत्म कर देना। सस्पेंड, एक सस्पेंड होता है और एक एब्रोगेट होता है। खैर, वो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उन वीडियोज में पढ़ेंगे कि इन सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। सो इसकी मसले मसाइल क्या थे जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेट हुआ, सो वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये बहुत मसला आ रहा था कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्या जैसे कि क्या पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा या खाली रिपब्लिक पाकिस्तान होगा या खाली पाकिस्तान होगा। सो इस तरह के 2-3 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे। एक था रेडिकल ग्रुप। रेडिकल ग्रुप थोड़ा मॉडर्न ग्रुप था जो कहता था कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए, और जैसे कि जिसके अंदर हर बंदे को हर चीज करने की आजादी हो, और जैसे कि अभी अभी हमारा प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल भी होता है कि जिसके ऊपर आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस करता है, या कह लें वो डेफिनेशन जो कि पूरे चैप्टर को डिफाइन कर दे, प्रियम्बल वो होता है। सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो चीज डिफाइन करती है वो आप प्रियम्बल होता है। सो प्रियम्बल अभी भी पाकिस्तान का ये कि हाकिमियत अल्लाह ताला की होगी, और अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया उनके खिलाफ वर्जी में कोई कानून जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन रेडिकल ग्रुप ये नहीं चाहता था। रेडिकल ग्रुप चाहता था कि ऐसा मुल्क हो जहां पर हर चीज की आजादी हो, जो शख्स जैसे रहना चाहता है वो रहे, ठीक है। अगर आप एलजीबीटी के अंदर रहना के तरीके से रहना चाहते हो तो उनके तरीके से रहे। सो अगर आप दाढ़ी मुंह रख के और टोपी पहन के आप नमाजी बिल्कुल प्रेजी बनकर रहना चाहते हो तो आप वैसे रहे। सो एक रेडिकल ग्रुप था, एक था ट्रेडिशनलिस्ट ग्रुप जो कि कहने प्रो इस्लामिक ग्रुप था, जिसका ये कहना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान को आपने किस मकसद के लिए बनाया, क्योंकि आपने मुसलमानों के लिए बनाया तो ये कंट्री भी मुसलमानों का ही है। सो आप मुसलमान के नाम से जाने जाएंगे, आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम रखेंगे, और कोई भी कानून इस्लाम के अलावा नहीं बनेगा। और जैसे एक खिलाफत का निज़ाम होता है ना कि जिसके अंदर सारे कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत ही नहीं ना पड़ती उसके अंदर, तो खिलाफत के अंदर ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी आपको कॉन्स्टिट्यूशन कुरान मजीद की शक्ल में दिया हुआ है, और अहादीस की शक्ल में जिसके अंदर सारी किस तरह रियासत चलानी है, क्या किस तरह चीजें लेके चलनी है, अल्लाह ताला ने आपको सारा बताया हुआ। सो वो कहते थे कि ट्रेडिशनली से कहते थे कि आपका सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रो इस्लामिक होना चाहिए। लेकिन रेडिकल ग्रुप ये कहता था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह होना चाहिए कि हर बंदा अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजार सके और किसी को उस पर कोई मसला ना हो। और एक था मॉडरेट ग्रुप जो कि वो कहता था कि ना ज्यादा आपने लिबरल बनना है और ना ज्यादा आपने इस्लामिक बनना, ठीक है। सो इसके मिडल में कोई चीज निकाली जाए। और आपको एक बात बताऊं कि एंड पे मॉडरेट ग्रुप जो है उसकी बात मानने गई, और आज पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मॉडरेट है, वो प्रो इस्लामिक बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, आपने ये बात कह दी, हमें तो अल्लाह तला के होगी, लेकिन भाई आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो सूद पर चल रहा है। आपने तो कह दिया कोई कानून इस्लाम के मुनाफी पास नहीं होगा, लेकिन आपका पूरा सिस्टम जो है वो सूद है, और अल्लाह ताला तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी तो जो शख्स सूद का करता है उसके साथ मेरी जंग है, ठीक है। सो कह ले कि अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मॉडरेट ग्रुप के अंडर है। सो एंड पे मॉडरेट ग्रुप की इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बात मानेगी, पर ये वजह एक बनी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फैसला करने में बहुत टाइम लग गया कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ये लोग आपस में बहुत देर करते रहे इस बात पे। फिर एक मसला ये आ रहा था कि जी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में एक तो डिफरेंस ही बहुत ज्यादा था, ठीक है। लेट अस सपोज अगर ये पाकिस्तान का आप ये बना के देखें, ये तो पाकिस्तान थोड़ा सा यहाँ से बड़ा हो गया, पर हमने समझने के लिए करना है। सो ये यहाँ पर था आपका वेस्ट पाकिस्तान,
सॉरी ईस्ट पाकिस्तान, और ये था आपका वेस्ट पाकिस्तान। सो अब आप देखें, एक तो इनमें डिफरेंस इतना ज्यादा, इधर तक पहुंचने के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचने में, क्योंकि उस टाइम ना मोबाइल ईजाद हुए थे, इतनी आसान नहीं थी चीजों को पहुंचाना। सो आप अगर कोई इधर कोई चीज लागू भी करते थे ना, तो वो इधर तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था आपको, ठीक है, वो काफी दूर था। सो उसका कभी ना कभी, अगर ये 19 फॉल ऑफ ढाका ना ना होता 1970s में, सो ये कभी ना कभी होना ही था, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है कि आपका सेंटर यहाँ पर हो और प्रोविंशियल यहाँ पर हो, मतलब जो सेंटर इधर से अहकाम दे रहा हो और वो यहाँ पर लागू हो रहे हो, बहुत मुश्किल चीज है। सो इसीलिए जो वेस्ट पाकिस्तान था वो सेंट्रल अथॉरिटी चाहता था और ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहता था, क्योंकि वो कहते थे यार हम आपसे इतनी दूर रहते हैं, एक तरह से वो आजादी चाहता था ना। शुरू से कहने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, आजादी, क्या हम आजाद रहना चाहते हैं, अपने कानून अपने मुताबिक बनाए। लेकिन एक मसला अब ये भी आ रहा था कि जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे वो बंगालियों के ऊपर अथॉरिटी चाहते थे, हमने उनके साथ वाकई बुरा किया, हमने उनको ऊपर वाकई मुजालिम किया, हमने उनका हक नहीं दिया। पाकिस्तान के बनने में बंगाल का बहुत कलीदी किरदार था, इन्होंने ढाका, आप देख रहे हैं ढाका हमेशा, कोई भी आप खबर उठा के देख रहे हैं, ढाका हमेशा मुस्लिम्स का सेंटर रहा, ठीक है। सो इधर बहुत काम हुआ, कहले मेन लीड इधर से इन लोगों ने किया मुस्लिम पाकिस्तान बनाने के लिए, लेकिन एक तरह से पाकिस्तान पे इस जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने कब्जा कर लिया, और सेंट्रल अथॉरिटी भी इसलिए चाहते थे, आप क्यों नहीं देते थे उनको प्रोविंशियल अटोनमी, क्या मकसद था कि आप उन्हें प्रोविंशियल अटोनमी देना चाहते थे। सो आपने कहा नहीं जी सेंट्रल की अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रोविंशियल की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। सो ये एक बड़ा मसला हुआ जिसकी वजह से देर होगी। फिर जी रोल ऑफ इस्लाम, इस्लाम का आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितना रोल होगा, इसके ऊपर बहुत बहस होती रही, ठीक है। रेडिकल ग्रुप वाले कुछ और कहते रहे, मॉडरेट ग्रुप वाले कुछ और कहते रहे, और ट्रेडिशनलिस्ट ग्रुप वाले कुछ और कहते रहे। सो अब भी अगर आप देखें कि हमारी जो प्रियम्बल है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये हम जब 19 अभी जो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें प्रियम्बल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी है वो भी हम पढ़ेंगे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में, जो इसके हिस्से अगली वीडियो में, ठीक है। सो अब मुस्लिम रिलीजियस पार्टीज भी और माइनॉरिटी रिलीजियस पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था हो रही थी, वो कह रही थी कि ज्यादा प्रो इस्लामिक जो है वो नहीं पोर्शन होना चाहिए, क्योंकि कुछ हिंदू भी यहाँ पर रह गए थे ये सोचते हुए कि मुस्लिम हमें तंग नहीं करेंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, सिख कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती थी, जो कि कह ले लोग रह रहे थे, कई लोग तो हिंदू भी चले गए ना हिंदुस्तान, लेकिन कई नहीं भी गए। सो उन्होंने अपनी पार्टी इधर बना ली, और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की उन्होंने बात करना शुरू कर दी, कि जैसे मुस्लिम लीग हिंदुस्तान मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करता था, इसी तरह माइनॉरिटीज की पार्टीज पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रही थी। सो उन्होंने कहा कि जी ज्यादा प्रो इस्लामिक जो है वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना, बल्कि, और मुस्लिम रिलीजियस पार्टी थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो सारा का सारा इस्लामिक होगा। सो ये इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर बहस चढ़ना शुरू होगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन और लेट हो गया। सो उसके बाद लैंग्वेज इशू बड़ा आ रहा था, कायदे अजम ने कंसेंट दिया था कि जी उर्दू को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, लेकिन आपने भाई बंगाल भी तो आपके साथ है ना, बंगाली सब, बल्कि 53% तो है वो बंगाली पॉपुलेशन है, ठीक है, और 47% जो है वो दूसरे मुस्लिम है, जिसके अंदर कुछ पठान है, कुछ सिख है, कुछ सिंधी है, कोई बलोच है। सो लेकिन बंगाली 53% है। सो आपने बंगाल को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाने का सोचा हुआ था, जिसके ऊपर स्कूल्स और स्टूडेंट्स और कॉलेजेस इन जगह पे क्या हो, एक एजिटेशन स्टार्ट होगी बंगालियों की तरफ से कि जी हमने पाकिस्तान बनाने में इतनी मदद की और हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं करार दिया जा रहा। सो इसकी वजह से भी काफी डिलेज आते रहे, क्योंकि पाकिस्तान बनते ही उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया था। सो कंसेंट भी आपसे कायदे से दे दिया कि उर्दू लैंग्वेज ही बनेगी। सो कुछ देर बाद खैर बंगाल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, लेकिन एक कह लें आपने आग तो फेंक दी ना, एक लड़ाई तो स्टार्ट कर दी। और दूसरा जी कायदे आजम बहुत जल्दी उनकी वफात हो गई, कायदे आजम की जल्दी वफात होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का वैक्यूम बहुत क्रिएट हो गया, और आपको पता है कि कायदे आजम की वफात के कुछ अर्से बाद ही लियाकत अली खान साहब को भी मार दिया गया, ठीक है, वो शहीद हो गए, उनको किसी शख्स ने गोली मार दी थी। सो आपका जो जिस लीडरशिप ने ये पाकिस्तान बनाया था वो 1-2 साल के अंदर वो लीडरशिप ही नहीं है, तो पाकिस्तान को चलाएंगे कैसे, जिसकी वजह से पूरी एक डिस यूनिटी बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स और आपस में जो पॉलिटिशियंस थे वो आमने सामने हो गए। तीसरा इनमें मिलिट्री थी जो इन सबको देख रही थी, ब्यूरोक्रेट्स को भी
और पॉलिटिशियंस का भी। सो ये एक फड्डा मेन स्टार्ट हुआ ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस का और मिलिट्री का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन लेट हो गया और सारा फोकस जो इस पे आ गया कि पावर जो है वो किसके पास ज्यादा होनी चाहिए। फिर रैंगली को पावर, इसी की मैं बात कर रहा था, और क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो फ्यूडल पार्टी थी, फ्यूडल पार्टी से मतलब ये है कि वहां पर ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स थे, वहां पर राजाज थे, वहां पर ये सारे लोग जो थे मुस्लिम लीग इन सबसे भरी हुई थी। दूसरा ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो एक अलग अपना मसला लेके हुए थे कि हमें पावर मिलनी चाहिए। तो ये क्या हुआ कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स आपस में लड़ रहे थे, और इसी दौरान मिलिट्री ने क्या किया, मिलिट्री ने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया और मार्शल लॉ लगा के मेन पावर अपने हाथ पे कर ली, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेट और लैंडलॉर्ड्स की लड़ाई में मिलिट्री जो है वो कह लें पासा पलट गई। सो अब कोई भी पार्टी या कोई भी मिलिट्री आती थी तो उसका मेन मकसद ये होता था कि अपनी पावर को लेजिटिमाइज करना। लेजिटिमाइज करना मतलब कि कानूनी बनाना उसको, कि मेरे पास अखीर किस्म की पावर होगी और वो कानूनी होगी, वो लीगल होगी। सो अपने अपनी सारी पावर्स को लीगल बनाना, ये अब मेन मकसद रह गया था कोई भी पार्टी जो एक्शन में आती थी, गवर्नमेंट के अंदर आती थी। सो जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सफर किया उसने। अच्छा, इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए? सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री सारे आपस में लड़ रहे हैं, मिलिट्री ने मार्शल लॉ लगा दिया हुआ है, उधर से पॉलिटिकल जो है वो स्ट्राइक्स हो रही है। दूसरा, जस्टिस सिस्टम जो है वो बिल्कुल आपका बैठ गया हुआ है, क्योंकि जैसे ही मिलिट्री सोल्यूशन आते हैं तो जस्टिस सिस्टम उसमें कोई काम नहीं करता है, जुडिशरी आपके बिल्कुल फारिग हो जाती है। सो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस आ गया हुआ है, मिलिट्री फुल पावर में है और दूसरे सारे इदारे बहुत वीक है। फिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर और ट्रांसफर ऑफ पावर का कोई कह ले कल्चर ही नहीं डेवलप हुआ ना। हर बंदा जो पावर में आता था वो कहता था मैं ही रहूं बस, कोई दूसरा ना आए इसके ऊपर। इसी वजह से जो जितने भी सारे मार्शल लॉ लगा कर रहे वो 10 10 साल हुकूमत में रहे, उनने फुल एंजॉय किया हुकूमत, फुल पावर्स एंजॉय की। सो ये हुआ। फिर उसके बाद जी कॉन्स्टिट्यूशन की जिसकी वजह से एफर्ट्स जो है वो डिले हो गई, और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यादा पीछे चला गया, ठीक है। अब वो सबसे पहले ये, जब मुल्क में खाना जंग भी लगी हो तो कानून गए भाड़ में, सबसे पहले आप खाना जंग ही खत्म करेंगे या कानून बनाने पे लगे रहेंगे? खाना जंग ही खत्म करेंगे तो ही कानून बनेगा ना। तो इस सारी सिचुएशन को टेक ओवर करने के लिए मिलिट्री सोल्यूशन ही था, आप उसके ऊपर लगे और कॉन्स्टिट्यूशन को आप भूल गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिक्स का कल्चर वीक हो गया, डेमोक्रेटिक कल्चर वीक हो गया, और कह लें आप डेमोक्रेसी के कल्चर के अंदर आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे को जाने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, आप मिलिट्री सोल्यूशन लेकर आए हैं, आपने मार्शल लॉ लगा दिया होगा, तो आप डेमोक्रेसी कुछ नहीं रही, आप डेमोक्रेसी से भी पीछे चले गए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो होती है ना पीपल गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। अब तो ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये पीपल लेकर आए हैं और पता नहीं वो लोगों के लिए है भी कि नहीं, वो तो उसकी मर्जी है ना उस गवर्नमेंट की, वो चाहे तो लोगों को गुलाम बना के रखे, चाहे तो वो लोगों को सर पे बिठा के रखे। सो ये सारी वजुहत है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन में काफी डिले हुआ, पर इन सारी डिलेज के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको एक वो टाइम पे मिले, और आपको मेरे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट जो है, पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट है, इस्लामियत की प्लेलिस्ट है, और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है, वो सारी मिल जाएगी, बस आपको ढूंढना पड़ेगा।